केजरीवाल सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने दिखाई गांधीगिरी। बीजेपी नेता विजय गोयल को मनाने गए उनके घर और जीवन नियम नहीं तोड़ने की अपील की। गोपाल राय के मनाने से नहीं माने बीजेपी नेता विजय गोयल, तोड़ा ऑड इवन नियम, 2000 का कटवाया चालान, बोले जब तक दिल्ली सरकार नहीं हटाएगी विज्ञापन की होर्डिंग जारी रहेगा विरोध। विजय गोयल के मुताबिक ऑड इवन से दिल्ली वालों को हो रही है दिक्कत, इस फॉर्मूले से नहीं घट रहा प्रदूषण। गोपाल राय ने विजय गोयल से किया सवाल, सेंटर भी विज्ञापन करता है उसका विरोध क्यों नहीं करते, जुर्माने की रकम पर बोले उन्हीं का कटता है चालान जो फॉर्मूला तोड़ने की जिद पर है अड़े। ऑड इवन के चलते खचाखच भरी दिखी दिल्ली में बस, हादसे को दावत देते हुए बसों पर लटके नजर आए कई लोग, ऑटो वालों पर किराए में मनमानी का आरोप। ऑड इवन के समर्थन में महिला वॉलंटियर सड़कों पर हरे छाते के साथ आई नजर, लोगों से की नियम के पालन की अपील। दिल्ली में अभिभावकों ने उठाया डीपीएस स्कूल की बढ़ी फीस का मुद्दा, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। मैनपुरी पहुंचे मुलायम सिंह यादव ने श्रीदेवी मेला और ग्राम सुधार प्रदर्शनी में की शिकायत, जनता को गिनाई अखिलेश सरकार की उपलब्धि। यूपी में समाजवादी पार्टी की विधानसभा प्रत्याशी हेमलता दिवाकर बीजेपी में शामिल, एसपी ने हेमलता को दिया था आगरा ग्रामीण से टिकट। समाजवादी पार्टी छोड़ने पर बोली हेमलता, बीजेपी में ज्यादा सुरक्षित दिखता है भविष्य। वसुंधरा सरकार के मंत्री नंदलाल मीणा ने प्रतापगढ़ में लोगों से जानी पानी की समस्या, अचलपुर में ग्रामीणों से की चर्चा, सीएम ने मंत्रियों को पानी समस्या के निपटारे का दिया है आदेश। छपरा कोर्ट में देसी बम से धमाका, एक कैदी से साथ हुई महिला भी जख्मी। काले लिबास में एक महिला के कोर्ट परिसर में बम ले जाने का है आरोप, धमाके के बाद एक कैदी के पेट में हुआ गहरा जख्म। मेहसाणा में पटेल समुदाय के आंदोलन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ आज पाटीदार आंदोलन समिति ने बुलाया गुजरात बंद, मेहसाणा में हटाया गया कर्फ्यू। तनाव को देखते हुए मेहसाणा, सूरत और अहमदाबाद में 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक, सूरत में धारा 144 लागू। आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद गुजरात सरकार सतर्क, सूरत में रिजर्व पुलिस की 3 कंपनियां बुलाई गई, मेहसाणा में अर्धसैनिक बलों के साथ रिजर्व पुलिस की 2 कंपनियां तैनात। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का बयान, जिन्हें आंदोलन करना है करें, हमारा काम जनता की सेवा करना। 5 दिन के हंगामे के बाद आज श्रीनगर में शांति, खुला बाजार, सामान्य दिखी जिंदगी। गढ़वा पुलिस ने देश की मानवता की मिसाल, नक्सली कमांडर भानु खरवार के खस्ताहाल परिजनों को आर्थिक और जरूरी सामान देकर मदद की। बिजनौर के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ कुएं में गिरा, देखने के लिए पेड़ों तक चढ़े तमाशबीन, कुएं में झांकने पर 2 लोगों को किया घायल। कुएं में गिरे तेंदुए को बाद में ग्रामीणों ने ऊपर से ढक कर किया बंद, कुएं में मुर्गा डालकर तेंदुए का खाने का बंदोबस्त किया। राजस्थान के खूंटी में आरसी बॉयज स्कूल की 6 कक्षा के छात्र बागराय मुंडा की छात्रावास में मौत का मुद्दा गरमाया, फंदे से लटका मिला था शव, परिजनों ने जांच की मांग की। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अफीम तस्कर गिरफ्तार, 40 किलो अफीम चूरा बरामद। हैदराबाद में 5 मंजिला गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखा था प्लास्टिक का सामान। मुंबई में कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग, एसी की वजह से हादसे की आशंका। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग में तेज रफ्तार टाटा सुमो ने i20 कार को मारी टक्कर, हादसे में 1 शख्स की मौत, 6 लोग घायल। ओडिशा के देवगढ़ में 300 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 27 लोगों की हुई मौत, बस में महिलाओं बच्चे समेत 40 ओपेरा कलाकार सवार थे। भरतपुर में ब्रिज विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, वीसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मुंबई के नाला सुपारा में नक्षत्र ज्वेलर के शोरूम में लूट, लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के जामताड़ा में ग्रामीणों ने एक महिला और युवक को 4 घंटे तक कमरे में बंद रखा, अवैध संबंधों का आरोप लगाया, युवक के कमरे में घुसने पर बाहर से जड़ा था ताला।
देवघर में भीषण गर्मी के बाद अब टूटी प्रशासन की नींद, सूखे तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना पर अमल। तपते सूरज से यूपी में बड़ा जल संकट, हरदोई में घटा जल स्तर, तमाम नलों में पानी आना बंद। यूपी के हापुड़ में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने एक कारोबारी को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती कारोबारी की हालत गंभीर। पटना के वाटर पार्क में नहाने गए कुछ लोगों की बाउंसर के साथ मारपीट, एक ही परिवार के चार लोग घायल, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के फरुखाबाद में ट्रांसपोर्ट दफ्तर में दबंगों की गुंडागर्दी, ट्रांसपोर्टर की जमकर की पिटाई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के नक्सल प्रभावित चंदौली में 16,000 जिलेटिन रॉड बरामद, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मेरठ के सिविल लाइंस इलाके में शमशान घाट में लकड़ी की टाल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के सागर में बस स्टैंड में खड़ी 3 बसों में अचानक लगी आग, दमकल की गाड़ियां पहुंचने तक बसें जलकर खाक। मुरैना में एक शराबी ने एएसआई पर हसिया से किया जानलेवा हमला, हमले में पुलिसकर्मी का हाथ कटा, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरिद्वार के श्यामपुर में गंगा में नहाने के दौरान डूबने से 3 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। बिहार के मुंगेर जिला में अवैध हथियार बनाते पकड़ा गया एक शख्स, भारी मात्रा में हथियार की बरामद। बेगूसराय में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक करते 3 परीक्षार्थी गिरफ्तार, व्हाट्सएप के जरिए लीक किया पेपर। हाथरस में सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, दर्जनों दुकानें जलकर खाक। उल्लम हादसे से नहीं लिया गया कोई सबक, केरल के त्रिशूर महोत्सव में हुई जमकर आतिशबाजी। गंदार आतिशबाजी से बदल गई आसमान की रंगत, रोशनी की रंगीनियों के साथ धुएं के गुबार से पट गया पूरा इलाका। वडोदरा के शाहिना सिकंदर गांधी की अनोखी कला को मिली पहचान, पत्थरों की कलाकारी से गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। इम्फाल में मनाया गया थिंग्योन वाटर फेस्टिवल, गीत संगीत के साथ पानी की फुहारों में भीग कर लोगों ने की मौज मस्ती। गुजरात के महसाणा में पाटीदार समाज की जेल भरू आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। महसाणा के डीएम ने जिले में इंटरनेट सेवा पर भी 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया।